हेलो वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपके एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की तरफ से एक मूवी देखने के लिए मिलने वाली है जिसका नाम है लस्ट स्टोरी सीजन 2। अब इसे सीजन 2 कह सकते हो या इसे मूवी भी कह सकते हो, पार्ट 2 भी कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको जो है चार रैंडम स्टोरी देखने के लिए मिलती है। जिन अगर देखो आपने लस्ट स्टोरी का पार्ट 1 देखा है तो आपको इसी कहानी का अंदाजा होगा इसके अंदर आपको कहानी किस टाइप से देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन फिर भी अगर आपने जो है लस्ट स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसके बाद भी अगर बताना चाहें इसके बारे में, तो आप ऐसा कह सकते हो कि इसके अंदर जितनी भी स्टोरी आपको देखने के लिए मिलती है वो सारी 18+ होती है, क्योंकि कहानी जो होती है वो 18+ चीजों के अराउंड ही होती है। चाहे उसमें वो एजुकेशन ले लो, चाहे उसमें वो लस्ट ले लो, चाहे उसमें वो वायलेंस ले लो, या चाहे आप उसमें जो है डेथ वाली चीजें भी शामिल कर सकते हो। कुल मिलाकर आप ऐसा कह सकते हो कि जितनी भी सारी चीजें होती है 18+ वाले कंटेंट में वो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है मिनी मिनी स्टोरी के द्वारा। अब जिन लोगों ने लस्ट स्टोरी का पार्ट 1 देखा था तो उन्हें तो इस कहानी के बारे में पता होगा, लेकिन पार्ट 2 के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर आपको चार नई कहानियां देखने के लिए मिलती हैं। इनके बारे में अगर बात की जाए तो मैं कहूंगा कि कहानी मुझे अच्छी लगी, ठीक ठाक थी, डिसेंट थी। जैसे सबसे मेरी फेवरेट इसमें से फर्स्ट वाली थी जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, जिसमें आपको मोरल देखने के लिए मिलती है और वो जो पूरा कहानी का जो आप कह सकते हैं एजुकेशन आपको देखने में मिलता है काफी बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो चार एपिसोड के हिसाब से कहानी की जो पेसिंग आपको देखने में मिलती है, जो कि चार कहानियां देखने में मिलती है, काफी जल्दी खत्म भी हो जाती है और उनमें जो है कोई बिल्डअप में कोई टाइम नहीं लगता, ना ही कोई कैरेक्टर की डेप्थ जानने के लिए मिलती है। आपको जो है सामने प्रेजेंट कर दी जाती है, आप जो खुद फैसला कर लेते हो कि कौन सही है कौन गलत है, किसके साथ में क्या चीजें सही हो रही है, किसके साथ में क्या चीजें गलत हो रही है। तो इतनी सारी बातें बताने का कोई मेन मतलब भी निकल कर नहीं आता है अगर आप जो है इसे उस वजह से देखने जा रहे हो कि जो इसका मेन मान है। देखो वो चीज इसके अंदर आपको देखने के लिए तो मिलेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। जितनी भी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है वो काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई है और आपको कहानी के अंदर एक अच्छा खासा बिंज वॉच वाला जो कह सकते हैं हुकिंग पॉइंट वो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करती है। मतलब आप जो है चार के चार एपिसोड जो है एक ही बार में खत्म कर दो। सीरीज के अंदर कोई ऐसी बात करने के लिए नहीं है कि हाँ जी इसके अंदर हम जो है अलग अलग लेवल की बातें करें, इसके VFX के बारे में बातें करें या इसकी जो है स्क्रीन प्ले इसकी स्टोरी टेलिंग के बारे में बात करें, क्योंकि देखो सीरीज जो है बहुत ही ज्यादा डिसेंट है। बस ये ज्यादातर उन लोगों के लिए जो कि 18+ वाला कंटेंट देखना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इसके अंदर थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट निकालने की कोशिश की जाए तो मुझे इसका जो है तीसरा वाला जो पार्ट था जो हमारा तमन्ना वाला देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल डिपार्टमेंट में थोड़ी सी कमी देखने के लिए मिलती है। जो सेट डिजाइन देखने के लिए मिलते हैं वो थोड़े से फेक फेक फील होते हैं। और जब मूवी देखने के लिए मिलती है और उसके जो एपिसोड देखने में मिलते हैं आपको चार कहानी हो गई, तो उनकी जो कहानी की जो एंडिंग होती है वो इस तरीके से रखी गई है कि आपके मन में एक सवाल छोड़ के जाती है कि क्या वो चीज़ें हो पाती हैं या नहीं हो पाती है। मतलब जो हमारे सामने प्रेजेंट की गई ये कहानी क्या वो एंड आता है बिल्कुल उसी तरीके से चलती है या आपको कुछ चेंज आ जाता है, आपके मन में ये सवाल छोड़ के जाती है सीरीज। और बात करें इसके रिकमेंडेशन की तो सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि 18+ कंटेंट देखना चाहते हैं। और बात करें इसकी रेटिंग के बारे में तो मैं इसे जो है 10 में से जो है 6.5 की रेटिंग दूंगा। आई होप आपको रिव्यू सुनने में आगे होगा, रिव्यू पसंद आए तो लाइक कर देना, चाहो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर भी क्लिक लेना ताकि बाबू सोना चालू बनोगे मैं पहले तुम्हारे भाई की नोटिफिकेशन आ जाए। बाय करते वीडियो को एंड आप अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर।